नमस्कार, बाप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ओडिशा में भीतरकनिका और घामरा के बीच तट से टकराया चक्रवाती तूफान दाना। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, कई स्थानों पर तेज बारिश। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में तूफान का असर, उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दिखा तूफान दाना का सबसे ज्यादा असर, 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, 300 से अधिक विमानों ने नहीं भरी उड़ान। भुवनेश्वर में मौसम सामान्य होने के बाद आज सुबह 8 बजे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बहाल हो गया। चक्रवात दाना के मद्देनजर 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे से हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित कर दिया गया था। पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा तूफान, मौसम विभाग का अनुमान, 25 अक्टूबर की दोपहर तक दाना गंभीर श्रेणी से हटकर धीरे धीरे चक्रवाती तूफान में बदलकर कमजोर हो जाएगा। कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, कुल 4 लोगों की मौत, मृतकों में 2 जवान और 2 पोर्टर शामिल, 3 घायल, जवानों की हालत नाजुक। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी शुक्रवार को एनसीपी अजीत पवार में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, इसमें 48 उम्मीदवारों के नाम। कराड़ से पृथ्वीराज चौहान लड़ेंगे चुनाव, विजय वडोटीवार को ब्रह्मपुरी और अमित देशमुख को लातूर शहर से टिकट। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए एनसीपी शरद चंद पवार के 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, बारामती से योगेंद्र पवार को टिकट। योगेंद्र इस सीट पर अपने चाचा एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को चुनौती देंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 91वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए, वे 11 नवंबर को शपथ लेंगे। इससे एक दिन पहले वर्तमान न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ पदमुक्त हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और चीन के बीच वार्ता के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जमीनी स्थिति बहाल करने के लिए व्यापक सहमति बन गई है। इसमें पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और मवेशियों को चराने की अनुमति देना भी शामिल है। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।